दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में, और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है, और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है, और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है, और संपादक जी सत्या रहे थे, और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वे एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है, और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमेक्स में शानदार प्रदर्शन किया है, और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है, और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी
सुलझे हुए अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है, साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चा लगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलट देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पे आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पे ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पर। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकांत कर्मा चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिक की है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है।
इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकीय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमेक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमन ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है, लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों
एक बार जरूर देखिएगा मूवी, आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी बासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकांत कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकेय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है लेकिन यह अपनी भावनात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रियलिटी देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDb है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं।
इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया, गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वे एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उससे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकीय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसकी हमें अपेक्षा होती है लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर यह मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर यह मूवी आती है। पहले यह मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप?
क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में, और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है, और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है, और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है, और संपादक जी सत्या रहे थे, और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वे एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उससे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है, और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमेक्स में शानदार प्रदर्शन किया है, और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसकी हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है, और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है, और अपने सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रियलिटी देखने को मिलती है।
तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पे आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पे ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊँगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहां पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, त्यानाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उससे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है
उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमन ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी एक कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है।
वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया, गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है।
वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्मा चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो शवों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उससे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसकी हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है।
अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मेन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी बासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसकी हमें अपेक्षा होती है लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है,
इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में, और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है, और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है, और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी बासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है, और संपादक जी सत्या रहे थे, और छायाकान कर्मा चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराज से होती है, यानी कि जो कार्तिक की है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिक की फिल्म है, और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिक ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है, और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है, और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है, और अपने सुलझे हुए अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है।
भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी निरस है। कार्तिक अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। यह मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रियलिटी देखने को मिलती है। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर यह मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर यह मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पे आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पे ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया, गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी बासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकांत कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिक की है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिक की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिक ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है
और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमेक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसकी हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमन ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वे अपने अद्भुत है। वे अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चालका है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी निरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी बासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकांत कर्मा चावला का देखने को मिलता है।
चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमेक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें कि हमें अपेक्षा होती है लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझे हुए अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी निरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है।
और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया, गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लय्यर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराज से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझे हुए अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी निरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी एक कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी।
2021 में से रिलीज किया गया था तेलुगु भाषा में, और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है, और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है, जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है, और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है, और संपादक जी सत्या रहे थे, और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराज से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वे एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है, लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है, और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है, और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है, और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है, और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है, और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है, और अपने सुलझे हुए अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है, लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है, और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है।
पहले ये मूवी यहाँ पे आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पे ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी बासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकांत कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिक की है उनसे होती है। वे एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिक की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकीय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है।
लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमन ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चालका है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर यह मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर यह मूवी आती है। पहले यह मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी बासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकांत कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वे एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से
कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिक की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकेय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमेक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमन ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझे हुए अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया, गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है।
क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है, और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायांकन कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकीय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमन ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक,
पैगल पातिरे जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज भी दी हुई है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी दो जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकीय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है लेकिन यह अपनी भावनात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपनी सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है।
दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है, तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए। ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में, और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की, और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं, और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई हैं। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है, और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है, और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है, और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी बासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है, और संपादक जी सत्या रहे थे, और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वे एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उसे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है, और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमेक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है, और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमेक्स में शानदार प्रदर्शन किया है, और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावनात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसकी हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है, और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है, और अपनी सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है, लेकिन प्रेम कहानी नीरस है।
कार्तिक अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पे आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पे ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी ये कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है, जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं, जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यह मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहां पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहां पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया, गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, त्यानाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वे एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उससे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकेय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है।
युवा अभिनेता ने जो क्लाइमेक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमन ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वे अपने अद्भुत है। वे अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबुक कबरू चा लगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिक की अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं, तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पे जाके देख सकते हैं जहाँ पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है, तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर, तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मैन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को कार्तिकिया गुमाकोंडा, लावण्या त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, त्यानाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती
बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उससे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकीय ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर यह मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है और आज मैं आप सभी को एक कमाल की साउथ की मूवी के बारे में बताऊंगा। और अगर आप भी इस मूवी को देखना चाहते हैं तो कहां पर ये मूवी आपको हिंदी में देखने को मिलेंगी, इस मूवी की क्या स्टोरी है, इन सब के बारे में वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अगर आप लोग भी कमाल की साउथ की मूवी को देखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। दोस्तों मूवी बहुत ही कमाल की है तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिए, ये मूवी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाली है। चलिए मूवी के बारे में बात करते हैं। पहला सवाल यहाँ पर आप सभी का यही आता होगा, क्या ये मूवी हिट रही थी या फिर फ्लॉप? क्योंकि दोस्तों बहुत सारे ऐसे भाई लोग हैं जो डिसाइड करते हैं अगर मूवी अच्छी रही है तो हम इसे देखेंगे वरना नहीं देखेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूँ, ये जो मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर एक हिट मूवी रही थी। 2021 में इसे रिलीज़ किया गया था तेलुगु भाषा में और इस मूवी में ड्रामा और रोमांस देखने को मिलता है। 2 घंटे 17 मिनट की ये मूवी है जिसे अगर आप लोग देखना चाहते हैं हिंदी भाषा में तो ये मूवी दोस्तों अवेलेबल हो चुकी है डिजनी प्लस हॉटस्टार पे। आप इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पे जाके देख सकते हैं जहां पर मूवी आपको फ्री में देखने को मिल जाएंगी। आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मूवी फ्री में अवेलेबल है। अगर रेटिंग के बारे में बात करें तो जो IMDB है वहाँ पर 10 out of 6 की और जो गूगल यूज़र है वहाँ पर 85% लोगों ने इसे लाइक दिया हुआ है। और इस मूवी को डायरेक्ट किया हुआ है कौशिक पेगलपति ने, जो कि एक बहुत ही अच्छे डायरेक्टर रह चुके हैं और इन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी सारी शानदार मूवीज़ भी दी हुई है। तो काफ़ी अच्छे डायरेक्टर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग उनकी ये मूवी से लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे तेलुगु भाषा में देखना चाहते हैं तो ये मूवी 2 जगह पर अवेलेबल है, एक तो अमेजन प्राइम और एक अहा पर। तो आप चाहे तो वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। इस मूवी को हिंदी में पूरा डब किया गया है और मूवी की डबिंग इस मूवी के जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर है उन्होंने करवाई थी। अगर मूवी के मेन कास्ट के बारे में बात करें तो मूवी के अंदर आप सभी को
कार्तिकिया, गुमाकोंडा, लावण्य त्रिपाठी, अमानी, मुरली शर्मा, अनुषा भरद्वाज, तनिकेला भरानी, रजिता, महेश आचंता, श्रीकांत लैयर, डॉक्टर भद्रा, तेनाली, शकुंतला और भी बहुत सारे किरदार मूवी में शामिल है। वैसे दोस्तों सभी कलाकारों ने काफ़ी अच्छा काम किया हुआ है जो आपको निराश नहीं करेगा। इस मूवी की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और एक मिडिल क्लास जैसी कहानी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर जो हीरो रहता है वो भी एक मिडिल क्लास ही होता है और इनकी एक्टिंग भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन है। यह काफ़ी अच्छी मूवी है, इसे एक बार देखना बनता है। आप इस मूवी को दोस्तों एक बार ज़रूर देखिएगा, मूवी आप सभी को ज़रूर अच्छी लगेंगी। इस मूवी के निर्माता बन्नी वासु और अल्लू अरविंद रहे थे। यहाँ पर संगीत जैक बेजोई का देखने को मिलता है और संपादक जी सत्या रहे थे और छायाकान कर्म चावला का देखने को मिलता है। चलिए हम लोग इस मूवी की कहानी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी की कहानी बस्ती बलराजू से होती है, यानी कि जो कार्तिकी है उनसे होती है। वह एक वैन चालक होते हैं जो सबों को कब्रिस्तान तक ले जाता है। एक दिन वह अपने पति के अंतिम संस्कार में एक विधवा लावण्या को देखता है और उस पर टूट पड़ता है। वह उससे लुभाने लगता है लेकिन बार बार असफल हो जाता है। यही समय है कि जब वह बलराजू की माँ अमानी किसी और को पसंद करने लगती है। इस फिल्म में वो जो माहौल होता है तनावपूर्ण दिखाया जाता है। बलराजू इस नाजुक स्थिति से कैसे निपटेगा और अपने प्यार को कैसे जीतेगा, वही इस मूवी में देखने को मिलता है। साथ ही में जो हीरो है उसका एक दोस्त भी होता है जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर है और वो भी उसकी काफ़ी मदद भी करता है। इस मूवी का क्लाइमैक्स बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है जो आपको रुला भी सकता है। तो चाबू कबरू चलगा एक बेहतरीन कार्तिकी की फिल्म है और वह बस्ती बलराजू के रूप में एक बहुत ही अच्छा परिवर्तन करता है और अपनी सामूहिक भूमिका में शानदार है। कार्तिकी ने अपने प्रदर्शन में काफ़ी सुधार किया है और सभी भावनात्मक दृश्यों में फिल्म को बनाए रखा है। युवा अभिनेता ने जो क्लाइमैक्स में शानदार प्रदर्शन किया है और उनकी माँ आसानी के साथ सभी दृश्यों को अच्छी तरह से निष्पादित किया गया है। लावण्या को अपनी फिल्म में एक दबी हुई भूमिका निभाने का मौका मिला हुआ है, लेकिन यह अपनी भावात्मक भूमिका में बहुत ही अच्छी लगती है। उनका लुक, बॉडी लैंग्वेज और प्रमुख दृश्यों में प्रदर्शन फिल्म को आपको जीवन बनाते हैं। इंटरवल ब्रेक के दौरान जो लावण्या है उनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। मुरली शर्मा वही करते हैं जिसमें की हमें अपेक्षा होती है, लेकिन इस दिनों उनकी जो पुनरावृत्ति है वो हो रही है। अमानी ने जोरदार वापसी की हुई है और नायक की माँ के रूप में वह अपने अद्भुत है। वह अपने किरदार में बिल्कुल फिट बैठती है और अपने सुलझी हुई अभिनय से वो फिल्म में काफ़ी गहरा ले जाती है। यह काफ़ी अच्छी मूवी हो सकती है, इसे एक बार देखना बनता है। मूवी के अंदर आपको एक अलग प्रेम कहानी देखने को मिलती है। साथ ही में कुल मिलाकर जो चाबू कबरू चालगा है वो एक अद्वितीय आधार के साथ एक अलग प्रेम कहानी वाली मूवी है। भावनाएं साफ सुथरी है लेकिन प्रेम कहानी नीरस है। कार्तिकी अपनी जो भूमिका है वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाए है। दरअसल इस मूवी में माँ और बेटे का प्रेम आपको देखने को मिलता है जो काफ़ी अलग बनाता है आपको इस मूवी को देखने के लिए। ये मूवी दोस्तों आपके दिमाग पर असर कर सकती है क्योंकि इस मूवी के अंदर कुछ जगह पर जो है वो रिलेट देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी सही मूवी है। इस कमाल की मूवी को आप लोग डिजनी प्लस सॉफ्टवेयर पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। काफ़ी सही मूवी बनी है और ये मूवी अक्सर टीवी पे आती रहती है। जो स्टार गोल्ड का टीवी चैनल है वहाँ पर ये मूवी आती है। पहले ये मूवी यहाँ पर आती थी, अब हो सकता है कि कोई और टीवी चैनल पर ये मूवी आती हो। बाकी दोस्तों मूवी काफ़ी बढ़िया है, इसे नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देखिए। आप सभी लोगों ने एक बहुत ही कमाल की जो मूवी है उसे मिस कर दिया है।